तो भाइयों बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय जय श्री राम दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। पांच बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसको आपको जानने के बाद बेहद खुशी होगी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर मंजूरी दे दी है, साइन कर दिया है और अब ये पूरी तरीके से कानून बन गया है। अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भव्य जुड़ी मंदिर को लेकर अयोध्या से निकल के आ रही है, जहां पर एक तरफ तो उन 18 मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है, तो दूसरी तरफ अब पूरी धार्मिक बीएचपी हो या फिर धर्म संसद के जितने भी लोग हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में भी देना ठीक नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि शंकराचार्य ने ऐलान किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों समेत वहां के प्रशासन को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सीधा सीधा खुले कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में नागरिकता पर विरोध नहीं सहेंगे, भेज देंगे सीधा डायरेक्ट और डायरेक्ट कश्मीर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, एक तनिक भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे छात्रों को यूपी में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों, किस तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की अगली जो प्लान है उसको जानकर दोस्तों आप बेहद ही अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अगला प्लान है निकल के आ रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को, जो इसकी भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, भी हम आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया की बात कही थी संसद में, आज भरी सदन में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ऐसी लथाड़ लगाई है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है समेत 5 जो बेहद बड़ी खबर निकल क्या फटाफट करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन कमेंट के माध्यम से, जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, कानून बन गया नागरिकता संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। जी हां, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 बुधवार की राज्यसभा में पारित हो गया था। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून में बदल गया है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। इससे पहले विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। इस कानून बनने के अलग अलग हिस्से में फिलहाल अवैध तरीके से प्रवासी पर अपने निवास को कोई प्रमाण पत्र न होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि विधेयक पारित होने के बाद देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, असम में विरोध प्रदर्शन में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद वहां के जिले में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। इसके साथ आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ये संशोधन गया था, जहां पर राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने साइन करते हुए हस्ताक्षर करते हुए इसको एक लॉ बना दिया है, अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए शरणार्थी पूरी तरीके से खुशी में है और उनका कहना है कि हमारे लिए आज का दिन दिवाली और होली से बहुत बड़ी है और अब हम इस देश के शरणार्थी नहीं बल्कि इस देश के नागरिक हो जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने धन्यवाद दिया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो गई हैं। राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाने के बाद अब आगे क्या होगा? जी हाँ, सवाल ये बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या मुद्दे पर स्वरूपानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के लिए जमीन देने से बढ़ेगा विवाद और अयोध्या में खास करके 5 एकड़ की अगर जमीन में बनेगा मस्जिद तो आने वाले समय में बेहद ही आक्रामक और बेहद ही कहीं ना कहीं भिड़ंत तो हो सकती है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले में आए फैसले पर पुनर्विचार दाखिल याचिकाओं को गुरुवार को यानी कल खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश AS बोबड़े की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने चेंबर में इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया और इन्हें सुनवाई योग्य नहीं पाकर खारिज कर दिया। पीठ में अन्य जज जस्टिस DY चंचूण, अशोक भूषण, जस्टिस AS नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की थी, जिसके बाद उन्होंने इन सारे लोगों को निरस्त कर दिया। जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत OYC के जितने भी लोग थे, इस टाइप के कट्टर मुस्लिम लोग थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा कल सुप्रीम कोर्ट से और उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। लेकिन अब जिसके बाद पूरे देश में ये मांग उठने लगी है कि आखिर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों के अयोध्या में दे तो जाएगी, लेकिन देने के बाद जो होगा शायद उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सोचा है। दरअसल आपको बता दें कि चिंता जाहिर की है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि हम
मुस्लिमों के लिए मस्जिद का जो 5 एकड़ की जमीन है उसका विरोध नहीं करते हैं, अयोध्या से हटाकर किसी ऐसे स्थान पर दे दिया जाना चाहिए जहां पर कुछ शांति हो। अगर अयोध्या में दिया जाता है तो यहां पर भव्य राम मंदिर भी बनेगा। लगभग जिस तरीके से माना जा रहा है, जो एक निकल के आ रही है प्रस्तुति, उसमें लगभग 100 एकड़ में पूरी तरीके से अयोध्या में मंदिरों का ही निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में अगर मस्जिद का निर्माण होता है तो वहाँ पर बहुत दूर दूर से सैलानी आएंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मस्जिदों में आने के बाद टकराहट बढ़ सकती है, क्योंकि एक ही शहर में दो धार्मिक के बड़े बड़े स्थल अपने आप में टकराहट की एक नींव पड़ने जा रही है। ऐसे में स्वामी स्वरूपानंद ने चिंता जताई है कि 5 एकड़ की जमीन अयोध्या से किसी दूसरे जिले में दे दी जाए, इसके लिए हम सहमत हैं। फिलहाल अगर आप भी स्वामी स्वरूपानंद की बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि 5 एकड़ की जमीन को फिलहाल अयोध्या में देना ठीक नहीं होगा। अगर आप इसके सहमत हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर नागरिकता कानून को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी के मुसलमानों को, खास करके अलीगढ़ के मुस्लिम छात्रों को दे दी है खुली चुनौती। उन्होंने कहा है कि यूपी में ये सब फालतू की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, दरअसल अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से खासी सतर्कता आज बरसी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आज पुलिस प्रशासन जिस तरीके से 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शाम रात में मशाल निकालकर इसका विरोध किया था, सड़कों को जाम कर दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्र सड़कों पर आ गए थे और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में गई हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जबरदस्त भड़ गए और वहाँ के DM को साफ साफ चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि कैसे भी करके ऐसे अराजक तत्वों से तुरंत निपटा जाए और ऐसे जो इनके मुखिया हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके का विरोध यूपी में हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और गृहमंत्री अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं जानते हैं कि यूपी में खास करके ऐसी आवाजें नहीं उठेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में योगी उस बात को पूरे तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं कि यूपी में हम इस तरीके के विरोध नहीं होने देंगे। यही कारण है कि उन्होंने एक लाइन में चुनौती दे दी है, साफ साफ चेतावनी दे दी है कि इस तरीके के विरोध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी के बड़े बयान, रीप इन इंडिया वाले बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा मचा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज संसद में BJP सांसद और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की ऐसी की तैसी कर डाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं माफी फिलहाल नहीं मानूंगा, और इसी को लेकर संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है और राहुल गांधी को जबरदस्त बरसते हुए यहां पर आज स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शर्म और लिहाज नहीं है, और यहां पर उसने ये बोल रहा है कि रेप इन इंडिया, यानी रेप इन इंडिया बन गया है, यानी रेप देश में आओ, इंडिया में आओ और रेप करो महिलाओं का। इस तरीके के वक्तव्य आखिर एक पार्टी का इतने बड़े पद पर बना नेता किस तरीके से कर सकता है। आपको बता दें कि संसद में जितने भी महिलाएं थी उन्होंने जबरदस्त राहुल गांधी को लथाड़ लगाई, और जिससे आज साबित हो गया कि राहुल गांधी का जो उपनाम है शायद यही कारण है कि लोग उनको बुलाते हैं, क्योंकि झारखंड की रैली में उन्होंने कहा था कि आज देश रेप इन इंडिया बन गया है, किस कोई चीज को भी रेप करना है तो वो देश में आ जाए, रेप कर लें और चले जाएं। इस तरीके के बयान देने के बाद संसद में जबरदस्त हुआ है। फिलहाल आप राहुल गांधी किस बयान को लेकर किस तरीके से देखते हैं, चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आ रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी और शाह का अगला टारगेट जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिर आर्टिकल 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक समेत तमाम बड़े जो इस 90 दिन में, इस 180 दिन में जो हुए हैं कारनामे, इस दूसरे कार्यकाल के बाद जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसके बाद अगला नंबर क्या है। अगले नंबर की बात करें तो अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम दो हमारे दो, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, और माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही इसी फरवरी के शीतकालीन सत्र में यहां पर बड़ी मांग हो सकती है। जैसे बजट सत्र के दौरान माना जा रहा है कि ये नागरिकता संशोधन के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुहर लग सकती है, और इस पर फिलहाल मसौदा तैयार किया जा रहा है, और हम दो हमारे दो की जो परिभाषा है वो फिलहाल पूरे देश में लागू होने वाली है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं, समर्थन करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा सही किया है, और अयोध्या में अगर आप 5 एकड़ जमीन देने के पक्ष में नहीं हैं
तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।